हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ प्रियंका। हम कर रहे हैं चैप्टर सेट्स और आज हम स्पेशली करने वाले हैं थोड़े से एडवांस लेवल के सम्स सेट के, उसमें भी स्पेशली सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से किया जाता है। तो चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से एक सेट को बनाया जाता है, रोस्टर से कैसे चेंज किया जाता है, ये सब तो हमने पहले की क्लासेस में किया है, पहले के वीडियोस में कर लिया है। अभी इसे एक और तरीके से सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है उसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो समझ लो तुम्हें एक सेट दिया जाए जो इस तरीके से लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इस तरीके से हमें ये नंबर्स दिए हुए। ओके, अब अगर ये रोस्टर फॉर्म में है, अब अगर हमें पूछा जाए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, तो पहले हमने कैसे सीखा था उस तरीके से अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी, क्योंकि ये सेट का नाम नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे करेंगे एक्स इज टू एक्स। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये थ्री के मल्टीपल्स चल रहे हैं, थ्री का टेबल ही चल रहा है, कब तक, 24 तक। तो हम इसको पहले ऐसे लिखते थे एक्स इज टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री लेस देन 25, राइट, और ये हमारा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब क्या करोगे, कोई हम एक नोटेशन फॉर्म सीखेंगे, जो जो सम नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसको तो वैसे ही लिखो, जो नहीं हो सकता सिर्फ उन्हीं को तुम इस तरीके से स्टेटमेंट वाले फॉर्म में लिखना। तो हम देखते हैं ये क्या नोटेशन फॉर्म में चेंज हो सकता है, नोटेशन मतलब एक साइन जैसा। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, देखो ये थ्री के मल्टीपल हैं, ओके, तो हमें नोटेशन फॉर्म में करना हो तो देखो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे एक्स इज टू एक्स, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल वही चल रहा है। अभी ये एक्स, एक्स का मतलब ये जो अंदर हमें दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये क्या हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा ये क्या है, बिकॉज ये थ्री के मल्टीपल हैं, सब नंबर्स थ्री से मल्टीप्लाइड है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे थ्री इंटू समथिंग, कोई भी नंबर है एन, उसको हम बार बार थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये नोटेशन फॉर्म होता है कि जो x यानी जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 का मल्टीपल, 3 टाइम्स n है। तो अब हमें ये भी समझाना पड़ेगा ये n है क्या, तो हम कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कहाँ तक है, वो है लेस देन इक्वल टू 8, और हमने इसे बंद कर दिया। अब मैं इसे एकदम क्लियरली समझाती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने किया क्या। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि x इज टू x इज इक्वल टू क्या है, तो हमने देखा 3 टाइम्स कुछ हो रहा है हर बार, तो इसलिए मैंने लिखा 3 टाइम्स n है। अभी ये n क्या है, तो उसके लिए मैंने लिखा ये जो n है ये नेचुरल नंबर, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको इस तरीके से लिखने का मतलब होता है n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, अब मैं इसे रफ में करके बताती हूँ। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, राइट। तो अब हम देखते हैं ये जो n था 3n, तो इसमें अगर 1 से चालू होता है तो पहले n की जगह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है, यानी ये मिल गया। 1 के बाद में नंबर होता है 2, मैंने यहाँ पे लिखा ये 8 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 1 है तो 3 इंटू 1 करना है, 2 है तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 3 इंटू 3 करेंगे 9, मतलब हर टाइम हम n की जगह 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐसे 8 तक डालना है, तो हम 8 तक डालें, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 3 इंटू 6 करो 18, 21 और 24। तो एग्जैक्टली वही नंबर बन रहे हैं जो यहाँ पे थे, ओके। सो इसीलिए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, x इज टू x इज एन एलिमेंट ऑफ, x इज टू x इज इक्वल टू 3n, 3 टाइम्स n है, और उस n को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, पहले तो ये बताओ कि वो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर क्या है और कितना तक लेना है हमको, ठीक है। अभी हम इसके और सम्स करेंगे प्रैक्टिस, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट सम देखो, नंबर 2 है, ये रोस्टर फॉर्म में, इसे हमें सेट बिल्डर में करना है नोटेशन फॉर्म में। तो ये है 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर तक के नंबर हैं। अगर हम इसे अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते, इसे इसमें सेट बिल्डर में, तब तो हम बहुत सिंपली लिख देते कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 37, बट यहाँ हमें नोटेशन फॉर्म में करना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे x इज टू x इज इक्वल टू,
अब ये क्या है, अंदर किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ये सारे नंबर कोई नंबर n का स्क्वायर है, राइट, ये n है, अच्छे से लिख देती हूँ, दिस इज n का स्क्वायर, ओके, ये तो बता दिया किसी नंबर का स्क्वायर है। अब ये n क्या है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम पहले बोलेंगे n क्या है, n इज एन एलिमेंट ऑफ, अब ये क्या है, n होल नंबर है, इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम लिखेंगे n इज अ होल नंबर, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो लेना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने होल नंबर लिखा हमने, तो ये होल नंबर है, ये भी बता दिया। अब हमें ये बताना है कि होल नंबर कब तक है, होल नंबर लिख दिया यानी जीरो से चालू हो रहा है वो तो ठीक है, बट कब तक चलेगा ये n, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक चलेगा, बिकॉज सिक्स का स्क्वायर तक हमको रोक देना है, तो हम बोलेंगे n जो है वो लेस देन इक्वल टू सिक्स है, मतलब सिक्स से छोटे नंबर्स हैं या एग्जैक्टली सिक्स तक हैं, तो ये अभी हमारा नोटेशन फॉर्म में बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाता है, राइट। अभी हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम फ्रैक्शन में दिया है 1/3, 1/4, 1/5 और डॉट डॉट दिया, मतलब 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड लास्ट खत्म हो रहा है 1/10, ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो हमने शुरुआत वाला तो चलो बहुत ईजी है, एक्स इज टू एक्स इज इक्वल टू क्या, अभी देखो ये किस फॉर्म में है, ऊपर सबके वन है, मतलब न्यूमरेटर तो वन है, नीचे चेक करो क्या है, थ्री से चालू हो रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि ये क्या है वन, क्योंकि हर बार ऊपर वन है, वन अपॉन नीचे कोई नंबर है जो कि एन है, सो ये वन अपॉन एन के फॉर्म में है ये हमारे एलिमेंट्स। अब ये एन क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि थ्री से हमें दिख रहा है, तो अभी हमको ये क्लियर करना है कि ये एन जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हमको देखो दिख रहा है एन थ्री से लेके टेन तक है, पहले का भी पता है और बाद का भी पता है, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे एन को रखो बीच में, एन थ्री से चालू होके टेन तक आता है, तो उसमें हम इस तरीके से साइन देते हैं, तो अब ये क्या है, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इसका मतलब थ्री के बराबर है और उससे चालू होता है बड़ा होना, और यहाँ लिखा है टेन से लेस देन इक्वल टू टेन, यानी टेन लास्ट है, टेन तक है, टेन से सारे छोटे नंबर्स होंगे, तो थ्री से टेन तक के सारे नंबर्स हैं, तो और हमने इसके ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 29 तक है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स को नोटेशन फॉर्म में कैसे रखा जाए, एक्स इज टू एक्स इज इक्वल टू, अब हम ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या इक्वेशन ऐसा फॉर्म करें कि हर बार n को हटाएं तो वहाँ पे ये सारे नंबर आ जाएं, तो सी ऑड नंबर को हमेशा, ऑड नंबर कभी भी टू का मल्टीपल नहीं होता, टू के मल्टीपल के बाद एक नंबर ऐड जरूर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू का मल्टीपल है अगर 24, टू 12 या 24, तो 24 में एक ऐड करो 25, तब वो ऑड नंबर बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये जो एक्स टू एक्स इक्वल टू है ये क्या है, टू का मल्टीपल कोई नंबर हो 2n, उसमें 1 ऐड किया हुआ नंबर है, तो एक्स टू एक्स क्या है 2n प्लस 1, यानी ये सारे एलिमेंट्स 2n प्लस 1 है। अब n क्या लिखें हम बार बार चेंज करने के लिए, तो जिससे पहला नंबर 1 आए और लास्ट नंबर 29 आए, तो मुझे n, नाउ लेट्स सी मैं होल नंबर लूँ कि नेचुरल नंबर, अगर मैं यहाँ लिखूँ n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी मुझे सबसे पहला n क्या रखना पड़ेगा 1, तो अभी मैं ऐसे रफ में चेक करती हूँ 2n प्लस 1 है, यहाँ n की जगह 1 रखो, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 हमारा पहला नंबर 3 बन गया, बट मुझे तो पहला नंबर 1 चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे n हटा दें, मतलब नेचुरल नंबर की जगह मैं लिखती हूँ n इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब देखते हैं 2n प्लस 1 है, n की जगह 0 डाल के देखो, 2 0 जा 0, सो 0 प्लस 1 हाँ 1 होता है, तो पहला नंबर हमें 1 मिल गया, होल नंबर है 0 से चालू किया था ना, 0 हो गया, 0 के बाद क्या नंबर आता है 1, अब यहाँ 1 डाल के देखो, तो n की जगह जब 1 डालोगे 2 1 जा 1 प्लस 1 तो तुम्हारा नंबर आएगा 3, अब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 डाल के देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 ये नंबर आ गया 5, देखो बिल्कुल ऐसे ही चलते जा रहा है, तो आप सोचो हमको ये 1 2 3 4 ये कहाँ तक लेना है कि हमारा लास्ट नंबर 29 आए, तो अगर मैं लास्ट नंबर लूँ 14, तो देखो 14 ये n की जगह डाल के देखो
2 × 14 + 1, 14 × 2 होता है 28, 28 + 1 होता है 29, यानी हमें जो होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट करके 14 पे ख़त्म करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर और ये 14 के बराबर नंबर है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 14। 0 से चालू होता है तो पता ही है, 14 तक के हमको सारे नंबर एन में डालने हैं तो हमें ये सम मिल जाएगा। इस बार हमारे पास जो सम्स हैं वो हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसे चेंज करना है रोस्टर में। तो इसे अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो चेक करो, ये नोटेशन फॉर्म में है। x इज टू x मतलब जो एलिमेंट है वो 2n-3 है, यानी कोई नंबर n है उसको यहाँ पे हमको डालना है। अब ये n क्या है तो बता रहा है n होल नंबर है और ये लेस देन 5 है, यानी क्या क्या हुए होल नंबर में, 0, 1, 2, 3, 4, यानी हमें n में ये नंबर डाल के ये वाला एलिमेंट तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली मन में बस कैलकुलेट करते जाओ, n की जगह पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, हमारे एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे। तो हमने पहले रखा 2 × 0 × 2 0 0 होता है तो पहला नंबर हमें मिला -3, फिर यहाँ 1 डाल करके देखो, 1 डाला तो 2 × 1 = 2, 2 − 3 होता है -1, फिर यहाँ पे नंबर डालो 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 − 3 होता है 1, फिर हमने नंबर डाला 3, 2 × 3 = 6, 6 − 3 = 3, और लास्ट में नंबर डालो 4, 4 × 8, 8 − 3 = 5। अब हमारा नेक्स्ट सम है x = 6p, मतलब 6 टाइम्स कोई नंबर है p और वो p एक इंटीजर है, यानी माइनस प्लस कुछ भी है वो भी क्लियर है, बताया है यहाँ पे। लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है, -2 से शुरू करो 2 तक रखो। क्या क्या है p, एक बार लिख लो रफ में, −2, −1, 0, 1 और 2, ये सारे नंबर p हैं। एक एक p को 6 से मल्टीप्लाई करो और हमारा एलिमेंट मिल गया। 6 को सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई करो, -12, -1 से करो -6 हुआ, 0 से करो तो 0 होगा, 1 से करो तो 6 होगा, 2 से करो तो 12 होगा, और ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट। अब करते हैं थर्ड नंबर, ये दिया है x = n² - 1, और ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है एंड n इज़ लेस देन 5, यानी कि n क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4। तो बस इस n को यहाँ पे पुट करो, तो हम करेंगे n का स्क्वायर, तो पहला लेते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 - 1 तो 0 होगा, दूसरा लो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 = 3 होगा, 3 लो n, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 9 - 1 = 8 होगा, और लास्ट इज 4, 4 × 4 = 16, 16 - 1 = 15, और ये बन गया। सी इट इज सो इजी। सो हमने खत्म कर दिया चैप्टर सेट्स, सारे वीडियोस हो गए, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो जो था उसके सम्स थोड़े से एडवांस लेवल के थे, तो आपने बुक से और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सम क्लियर होता जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, बाकी मैथ्स बहुत ईजी है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 sums a day। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब फटाफट से, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो। ओके, तब तक के लिए बाय।